क्या आप प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी एग्जाम 2023 मैथमेटिक्स के लिए? तो आज ही आप ज्वाइन करिए आईएफएएस, जहां पे आपको मिलता है बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट रिजल्ट्स विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स, कंप्लीट सिलेबस कवर्ड विद द लोवेस्ट प्राइस। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 18 जुलाई 2022 से। 2022 एग्जाम के टॉपर जो आईएफएएस ने दिए हैं वो हैं आपके पार्थो प्रतिम दास, आशुतोष वशिष, मानस कुंदू और अवीरा अग्रवाल, ये सारे इनके टॉपर्स रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आईआईटी जैम 2023 के मैथमेटिक्स बैच को, तो बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप क्लिक करके इनके बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी गेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2022 में जो पेपर हुआ था एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसके क्वेश्चंस हम देखते हैं, आंसर्स देखते हैं और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हम उनके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, ट्रेबेकुली राइजोइड्स आर एब्सेंट इन। तो अगर आपको पता होगा ब्रायोफाइट्स का, मैंने आपको नोट्स भी दिया था कि जो राइजोइड्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट फीचर होते हैं जो स्पीशीज या जनरा हैं उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। तो आप देखेंगे जो रिक्सिया और मार्केंशिया है वहाँ पे दो टाइप के राइजोइड्स पाए जाते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्रेबिकुलेटेड राइजोइड्स। तो मैंने आपसे बोला रिक्सिया और मार्केंशिया दोनों में पाए जाते हैं, तो ना तो आप रिक्सिया के लिए लगा सकते हैं ना मार्केंशिया, ना रिक्सिया मार्केंशिया, क्योंकि तीनों में, रिक्सिया और मार्केंशिया दोनों में होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे आप जाएंगे तो आपसे पूछा है कि किस में एब्सेंट होता है। तो मैंने आपसे बोला कि ये राइजोइड जो होते हैं ट्रेबिकुलेटेड या रिक्सिया मार्गेंशिया में होते हैं, तो ये किस में एब्सेंट होगा? एंथेरोसीरोस में ये एब्सेंट होगा। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, गोंग्रोसाइरस स्टेज किस में मिलता है? तो अगर आपने इंडिविजुअल लाइफ साइकिल्स पढ़े हैं, मैंने आपसे बोला था एक क्वेश्चन है कि जनरल कैरेक्टर से जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेम्बर्स के लाइफ साइकिल में जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं। तो वैसे वाल्केरिया जो है आपका, जो यहाँ पे एल्गा दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि उसमें एक स्टेज आता है जिसमें उसका जो थायरस होता है वो गोंग्रोसाइरा एक एल्गी होती है उससे सिमिलरिटी शो करने लगती है, और इसी स्टेज को वाल्केरिया के गोंग्रोसाइरा स्टेज बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं, द रीजन डक्ट इन पाइनस रिप्रेजेंट अ, कह रहा है जो रीजन डक्ट होते हैं पाइनस में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लिसिजीनस कैविटी, साइजोजीनस कैविटी, साइजोलिसिजीनस कैविटी और इंट्रासेलुलर कैविटी। तो मैं आपको बता दूं कि रीजन डक्ट जो होते हैं पाइनस में वो रिप्रेजेंट करता है साइजोजीनस कैविटी को। लिसिजीनस कैविटी और साइजोजीनस कैविटी दो टाइप की कैविटीज आप पढ़ेंगे जब एनाटॉमी आप पढ़ेंगे तो उसमें, और साइजोजीनस कैविटी जो है ये रीजन डक्ट का एग्जाम्पल जो है पाइनस में एक साइजोजीनस कैविटी है। ठीक, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो पूरे के पूरे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। वही लिसिजिनस कैविटी में जो सेल्स हैं वो हाफ पार्ट जो होता है वो डिस्ट्रक्ट होते हैं और वो सेक्रेट करते रहते हैं जो भी कुछ सेक्रेशन हो, जैसे कि ऑरेंज पील में जो ऑयल ग्लैंड पाए जाते हैं वो लिसिजिनस कैविटी के एग्जाम्पल हैं। वैसे साइजोलिसिजिनस कैविटी के एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म है आपका, जो कि है आपका एक्विसीटम, वहाँ पे जो वेलिकुलर कैनाल्स होते हैं कार्टेक्स में वो साइजोलिसिजिनस कैविटी का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं, द एलिमेंट एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ राइबोसोम इज, कह रहा है कौन सा एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है जो राइबोसोम के लिए उसके स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो यहाँ पे मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, मॉलिब्डेनम है, आयरन है। जब आप पढ़ते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, वहाँ सारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जो आपका मैग्नीशियम है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो राइबोसोम की स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो यह इसका क्या आंसर करेक्ट होगा? मैग्नीशियम, चौथे का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पाँच पे। क्वेश्चन नंबर पाँच क्या कह रहा है कि असेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन, कह रहा है एक असेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन है। कौन सा असेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन है? स्पोरोडोकियम जिसे बोला जाता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फॉर्म फैमिली का। तो सबसे मैं पहले आपको बता दूँ कि ये
फंजाई से आए वो क्वेश्चन है, ड्यूटेरोमाइकोस माइकोटीना के मेंबर जो होते हैं उन्हें फॉर्म, वहाँ पे फॉर्म फैमिली मिलेगी, फॉर्म जीनस मिलेगा, ये सब फॉर्म स्पीसीज वगैरह सब वहीं पे मिलते हैं। और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज है ड्यूटेरोमाइकोटीना के अंदर, ऑर्डर्स भी कई सारे हैं, डिमेशियेसी एक फैमिली है, स्फीरोपसिडेसी एक फैमिली है, ट्यूबर प्लारियेसी एक फैमिली है, मेलाकोनियेसी एक फैमिली है, उसमें किसी इनमें से एक फैमिली में जो स्पोरोडाइकियम ये असेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन बनता है, कह रहा है किसका फीचर है, तो ये ट्यूबरकुलरिएसी जो फैमिली है इसका फीचर क्या है कि यहाँ पे जो असेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन होते हैं वो स्पोरोडोकियम होते हैं। असेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन आप पढ़ेंगे फंगस में स्पोरोडोकियम हुआ, सिनेमाटा हुआ, ठीक है, कोनेमाटा हुआ, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर वहाँ पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं, टू और मोर जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम आर रिफर्ड टू एज, कह रहा है अगर एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जीन्स किसी एक ही क्रोमोजोम पे मौजूद हों तो ऐसे जीन्स क्या कहलाए जाएंगे, लिंक्ड जीन, नॉन लिंक्ड जीन, डोमिनेंट जीन्स या इनकम्प्लीटली डोमिनेंट जीन्स। तो यहाँ पे डोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स का केस आता नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है दे आर लिंक्ड और नॉट। सो लिंकेज आपने पढ़ा होगा, लिंकेज एक ऐसा फीचर है जहाँ पे जीन्स जो होते हैं एक साथ इनहेरिट किए जाते हैं अपने ऑफ स्प्रिंग में, वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो एक ही क्रोमोजोम पे रहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लिंक्ड जीन्स। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 7 पे, इन जिम्नोस्पर्म्स एल्बुमिनस सेल्स अकर्स इन, कह रहा है जिम्नोस्पर्म्स में एल्बुमिनस सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मेसोफिल टिश्यू में, एपिडर्मल टिश्यू में, कॉर्टिकल टिश्यू में या वैस्कुलर टिश्यू में। तो अगर आपको याद हो कि एल्बुमिनस सेल्स होते क्या हैं, या अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने जैसे एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा होगा तो सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड रहता है आपका कंपेनियन सेल, पर क्योंकि जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल पाया नहीं जाता तो उसके जगह पे वहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल पाया जाता है। और सीव ट्यूब क्या होती है, ये एक वैस्कुलर टिश्यू के एग्जाम्पल है। तो ये जो आपका एल्ब्यूमिनस सेल है दीज आर एनालॉगस टू द कंपेनियन सेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म, तो ये कहाँ पे पाया जाता है आपका वैस्कुलर सिस्टम के अंदर, सीव ट्यूब फ्लोएम का पार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, कह रहा है एना बीना जो कि एक एल्गी है यहाँ पे थिक वॉल सेल्स पाए जाते हैं जो कि हेट्रोसिस्ट के नज़दीक पाए जाते हैं, ये वेस्टेटिव सेल से लार्जर होते हैं, तो हम किस सेल की बात कर रहे हैं। एनाबीना का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे ढेर सारे हेट्रोसिस्ट होते हैं और वहाँ पे एकाई नीड्स भी होते हैं जो कि थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं और ये वेस्टेटिव सेल्स से लार्ज होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, एकाई नीड। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं, द लिविंग टिश्यू हैविंग थिकनिंग ऑन द टेंजेंशियल वॉल इज, ये सारा जो चीज़ें हैं कोलेनकाइमा जब आप पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि सिंपल टिश्यूज में आते हैं पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, तो वहाँ पे जो कोलेनकाइमा है कई टाइप का होता है, एंगुलर, लेकुनर और लेमिलर, वहाँ पे जो थिकनिंग होता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसके बेसिस पे हम बताते हैं, जैसे लेमिनर, लेकुनर, एनुलर और एंगुलर। तो जो लेमिलर टाइप का आपका वो कोलेनकाइमा होता है, लेमिलर टाइप का, यहाँ पे जो उसके थिकनिंग होती है वो टेंजेंशियल वॉल पे होती है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक का। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन द स्टेम ऑफ लजिनारिया साई सिरारिया, लजिनारिया साई सिरारिया के स्टेम में पूछ रहा है वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, रेडियल, कोलैटरल क्लोज, बायकोलैटरल ओपन या बायकोलैटरल क्लोज। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बायकोलैटरल वैस्कुलर बंडल कहाँ पे पाए जाते हैं तो आप सीधा सीधा, आपको पता होगा शायद कि वो क्यूकरविटेसी फैमिली में मिलते हैं, एंजियोस्पर्म के क्यूकरविटेसी फैमिली में मिलते हैं, और ये डाइकॉट प्लांट्स होते हैं क्यूकरबिटेसी, तो वहाँ पे वैस्कुलर बंडल कैसे रहते हैं, ओपन वैस्कुलर बंडल रहते हैं। लेजिनारिया जो एक प्लांट है वो एक्चुअली क्यूकरबिटेसी फैमिली का ही है, तो क्यूकरबिटेसी फैमिली में कैसे वैस्कुलर बंडल रहेंगे, बाइकोलैटरल, क्योंकि ये एक डाइकॉट है तो वहाँ पे ओपन वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल। अब हम आते हैं अपने लास्ट 5 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं,
कि डाइकोटिलेडन्स प्लांट में जो लैटरल रूट्स होता है वो कहाँ से ओरिजिन होती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है लैटरल रूट्स के बारे में, तो आपको स्टेम या रूट से पूछा गया है वो पूछना ही नहीं, आप सोचना ही नहीं उसके बारे में। लैटरल रूट्स आप हमेशा पूछे तो आप हमेशा दिमाग में रखिए पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं इनसे लैटरल रूट्स क्या होता है निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज फॉर रूट डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ सेल डिविजन। देखिए कुछ एपिकल शूट जो है और एपिकल रूट है उसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि उनके डेवलपमेंट के लिए जहाँ पे पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन का यूज़ हो ऐसी कौन सी थ्योरी है। तो ऐसी थ्योरीज दो थ्योरीज हैं यहाँ पे, एपिकल सेल थ्योरी और कॉर्पर कैपे थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है कि ये रूट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये शूट के लिए एप्लीकेबल है। वहीं कॉर्पर कैपे थ्योरी जो है रूट के लिए एप्लीकेबल है। दोनों के दोनों जो है पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन पे आधारित है, पर यहाँ पे क्योंकि रूट डेवलपमेंट की बात पूछी गई है तो आप कॉर्पर कैपे थ्योरी के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं। विच इज़ नॉट द साइट फॉर इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। कह रहा है इनमें से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन अगर हम फ्लोरा का कर रहे हैं तो वो उसके साइट में नहीं आता। इन सिटू का मतलब ऑन साइट, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये ऑन साइट कंजर्वेशन है, नेशनल पार्क आपका ऑन साइट कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ऑन साइट कंजर्वेशन है, मतलब इन सिटू। एक इसका अपोजिट टर्म है एक्स सिटू। एक्स सिटू में क्या होता है कि हम पेड़ पौधों को जहाँ पे वो उगते हैं उससे बाहर ले जाकर कहीं पे एक जगह पे ग्रो कराते हैं, वो एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पे पूछा है विच इज़ द नॉट साइट फॉर द इन सिटू, तो बॉटनिकल गार्डन ही आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि बॉटनिकल गार्डन एक टाइप का एक्स सिटू कंजर्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द टेक्निक यूज टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ ओडर कंपाउंड इन अ वाटर सैंपल इज। अरे वो कौन सी टेक्निक है जो डिटरमिन करती है ओडर कंपाउंड्स का कंसंट्रेशन वाटर सैंपल में। तो ये एक टेक्निक है आपका क्वेश्चन नंबर 14 में, ये जो ऑप्शन है आपका स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग एक ऐसी टेक्निक है जो डिटरमिन जिससे हम करते हैं ओडर कंपाउंड्स का कंसंट्रेशन का वाटर सैंपल में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ओनाग्रेट टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ। अब देखिए ओनाग्रेट टाइप का पूछा गया है, एम्ब्रियोजेनेसिस पे मैंने लेक्चर बनाया था वो भी पढ़ा होगा, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो एस्टरेट टाइप का एम्ब्रियोजेनेसिस है वो एस्टरेसी में तो मिलता ही मिलता है, साथ में वाइटेसी में भी मिलता है। और जो ओनाग्रेट टाइप का है एम्ब्रियोजेनेसिस ये आपका बाल्सामिनेसी और एनोनेसी दोनों फैमिलीज में मिलते हैं। तो ये था आपका 15 क्वेश्चंस, ठीक एवन के। बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं मैं अगले वीडियोस में लेके आऊँगा, और मैं यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रिस्क्राइब ये करूँगा कि एक एमसीक्यू का बुक ले लीजिए और जीआरबी भी साथ में पढ़ते रहिए। ये सब जीआरबी जो बुक है उसके लेवल का है, इससे आपका फ़ायदा होगा। तो मैं दोनों जीआरबी का बुक जो है और जो एमसीक्यू का बुक है दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से परचेज कर लीजिए वो बुक्स। और ये थ्योरी जो है जिस लेवल का है उसमें से आपका हो जाएगा जब वहाँ पे आप थ्योरीज करेंगे, उसमें भी ढेर सारे एमसीक्यूज भी हैं। तो देखते रहे मास्टर्स ऑफ बॉटनी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।